और आयल्स कैंडिडेट्स, तो प्रोडक्शन वीडियो बनाने से पहले आपको सबको कुछ बताना चाहता हूँ। तो गैस देखिए, दिवाली आ रही है, दिवाली पर गूगल पे ने सबसे बढ़िया गिफ्ट दिया हमको। देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचे दीजिए। आप किसी को भी शेयर करते हैं तो आपको 180 रुपीज़, नहीं तो 51 रुपीज़ मिलते ही मिलते हैं। अभी 180 था तो अभी 51 हो गया, कोई बात नहीं, 180 भी हो जाएगा अगर आपको तभी मिलेंगे गैस 180 51। अगर आप इसी लिंक से डाउनलोड करेंगे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जैसे ही आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे वो 1 रुपये ही क्यों ना हो, आपको ये पेमेंट हैंड टू हैंड मिल जाएगी आपके गूगल पे अकाउंट में। ओके, इस वीडियो को शेयर, अगर दूसरे को भी शेयर करते हो तो भी आपको मिल सकती है, किसी मेंबर को भी शेयर करो तो भी आपको मिलेंगे। ओके, आपको तभी मिलेंगे गाइस अगर आप इस लिंक से डाउनलोड करोगे, फिर इसके आप अपना जो UPI कोड है वो नंबर भरोगे तो भी आपको पेमेंट मिलेगी। चलिए बात करते हैं प्रोडक्शन वीडियो के बारे में। हेलो आर IELTS स्टूडेंट्स, टुडे वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 7th November 2019 IELTS एग्ज़ाम की, एकेडमिक और GT दोनों के बारे में ही ये इन्फॉर्मेशन है गाइस। तो इससे पहले मैं 7th November के बारे में बात करूँ, आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि मैंने जो भी प्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ वो 100% ट्रू ही जाती है, और इसकी भी 99% श्योर है गाइस कि ये भी प्रोडक्शन वीडियो 100% ट्रू ही जाने वाली है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस बार लाइक टारगेट है गाइस 300 लाइक्स का, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पिछले बार 200 लाइक्स का टारगेट रखा था आपने गैस, नियरली 1800 लाइक्स दिए थे मेरे को, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। आपकी रिक्वेस्ट कि मैं नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अगर आप प्लीज़ नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी ही वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वही आने वाला है, वो 100% ट्रू भी होती है। चलिए बात करते हैं 7th September 2019 के IELTS एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले तो लिसनिंग के बारे में बात करूँ, जैसे मैंने पिछले एग्ज़ाम में बताया था वैसा ही सेम शेड्यूल है। मैंने पिछले एग्जाम में जो भी प्रोडक्शन वीडियो बनाया था 100% ट्रू थी गाइस, जैसा मैंने बोला था कि सेक्शन फर्स्ट में ऐसे आ सकता है सेक्शन टू में, वैसे वैसे ही आया था। वो जो सेक्शन मैंने मॉडरेट बोला था वो सेक्शन मॉडरेट ही थे। ओके, चलिए बात करते हैं हम 7th September के लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग के सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो ईजी आएगी, इंट्रो और MCQ टाइप क्वेश्चन आते थे, फिलिंग से ब्लैंक्स भी आते थे, ओवरऑल ईजी होगी, बिल्कुल ईजी होगी। नंबर्स की तैयारी आप थोड़ी कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो सेक्शन टू की बात करते हैं, ये भी थोड़ी इजी ही आएगी, वन वर्ड आ सकते हैं, MCQ आ सकते हैं, इजी, ओवरऑल इजी होगी। सेक्शन फर्स्ट सेक्शन टू हमेशा ही इजी होता है, ऐसे नहीं कह रहा कि सब में इजी होता है, बट गाइस जब भी एकेडमिक और GT वालों का एग्ज़ाम दोनों का इकट्ठा फील किया जाता है, दोनों का एग्ज़ाम होता है इकट्ठा, तो गाइस 98% चांसेस है कि लिसनिंग बिल्कुल इजी आती है, और सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन टू तो बिल्कुल ही ज़्यादा इजी आते हैं। अगर तो जो भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम फील किया उनको चाहता वरी करने की जरूरत नहीं है, एग्ज़ाम ओवरऑल ईजी ही आएगा। सेक्शन थ्री और सेक्शन फोर की बात करूँ, ये थोड़े से मोटेड हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग हो सकते हैं, MCQ डिस्कशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं थोड़े हार्ड, बट ओवरऑल इजीली लिसनिंग जो है वो इजी होगी। तो आप अपनी तैयारी डटकर कीजिएगा, और एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार तैयारी जरूर कर लीजिएगा। रीडिंग के बारे में बात करते हैं, तो रीडिंग के बारे में पहले बताऊँगा, इसमें बहुत ही बढ़िया टिप्स प्रोवाइड ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो जो भी नए हैं वो इस वीडियो को जाकर लिंक दे दूंगा, वो भी दे सकते हैं। और एक गाइस IELTS फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, किस बात का फ्रॉड चल रहा है, कैसे स्टूडेंट्स को ठगा जा रहा है एग्ज़ाम के आंसर पहले प्रोवाइड करने की बात बताकर, उनसे बचिएगा प्लीज़। ओके, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप वीडियो को भी देख सकते हैं। तो रीडिंग के बारे में बात करते हैं गाइस, पैसे फर्स्ट के बारे में, पैसे फर्स्ट भी ओवरऑल ईजी होने वाला है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, फैसे टू भी इजी होगा, फैसे थर्ड होगा बहुत थोड़ा मोडेड होगा, ऐसा हर बार होता है गैस कि IDB ब्रिटिश काउंसिल के एग्ज़ाम में, कि जब भी एग्ज़ाम होता है उसका एक चीज़ तो हार्ड वो देते हैं, एक पैसे तो हार्ड देते हैं, पिछले बंदा सा पैसे सेकंड हार्ड आएगा, पैसे सेकंड ही हार्ड आया था, और भी कोई भी पैसे हार्ड नहीं था, ओवरऑल ईजी ही थी। इसमें ज़्यादा आने के चांसेस गैस येस नो नॉट गिवन के, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के, फिलिंग्स द ब्लैंक्स, MCQ और लिस्ट ऑफ हेडिंग और लिस्ट ऑफ पीपल, इनके चांसेस बहुत हर बार गैस आते ही आते हैं, मैप वगैरह के चांसेस भी होते कई बार आ जाते हैं। ओके, तो आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं, ओवरऑल लिसनिंग रीडिंग ईजी आएगी। अगर आपकी तैयारी इनकी जगह भी डट के गैस येस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये आपको अच्छे से आते हैं तो अभी आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत ही बढ़िया स्कोर आप ईजिली कर जाओगे, रीडिंग ओवरऑल आपके लिए ईजी ही आएगी। फिर से कहना चाहूँगा गाइस, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, 300 लाइक्स का टारगेट है,
प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेगा। इस राइटिंग टास्क फर्स्ट के बारे में बात करें तो राइटिंग टास्क फर्स्ट में ज़्यादा जा सकता है लाइन बार टेबल और ग्राफ के, ये सिंपल एक जैसे होते हैं, ज़्यादा स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, बट जहाँ पर ग्राफ आता है वहाँ पर लाइन लिख दिया जाता है, कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सभी यार स्टूडेंट्स को पता है ये बात। तो ये ओवरऑल रेट चेंज ही आने वाला है, आपको ज़्यादा इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल ईजी ही आएगा, बिल्कुल आसान आएगा। ओके, तो टास्क फर्स्ट के बारे में आपसे वर्जेंट कंप्लीट करनी होती है तो सभी स्टूडेंट्स को पता है आप, बट गाइस एक चुप जूरी बात बताना चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में सबसे पहले गैस राइटिंग टास्क टू ही कंप्लीट करना है क्योंकि गैस उसका बैंड स्कोर टास्क फर्स्ट से ज़्यादा होता है। टास्क टू के बारे में बताना है तो गैस दो ही टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जो भी मैं चीज़ बताता हूँ गैस उसमें 98% इसी में से ही पूछी जाती है। ऐसे पिछली बार एग्ज़ाम आया तो मैंने उसे टेक्निकल पर आ सकता है, बट गैस टॉपिक ऐसा था कि सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही था। ओके, अब की बार कुछ ऐसा टॉपिक आ सकता है जो कि एजुकेशन पर डिपेंड हो सकता है, एनवायरनमेंट पर, लाइफ स्टाइल चेंजेस पर, क्राइम पर रिलेटेड, इन तरह का टॉपिक कुछ हो सकता है। बट ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एनवायरनमेंट और एजुकेशन जैसी बढ़िया विकैबुलरी तैयार कर लेनी चाहिए क्योंकि टॉपिक इनके रिलेटेड भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।